हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम की चटनी, जो दो नहीं तीन नहीं महीने नहीं पूरे साल चलने वाली है, जिसे आप पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जिसको आप जैम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट लाजवाब होता है और बनाने में बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 1 किलो कच्चे आम ले लेंगे। इनको धो लेंगे। आम जितने बड़े होंगे इनमें से गूदा उतना ज़्यादा निकलेगा। इनके हम छिलके उतार लेंगे और अब इनको कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कद्दूकस करने के बाद कच्चे आम हमारे करीब करीब आधा किलो हो गए हैं। अब इनको हम कढ़ाई में डालेंगे, जिसमें हमें इनको पकाना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और अब हम इसमें आधे किलो हिंग मीठा डालेंगे। मैं यहाँ गुड़ और चीनी को मिक्स करके डालूंगी। आप चाहें तो चीनी या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और चीनी के मेल्ट हो जाने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसी स्टेज में हम यहाँ 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे। हमें यहाँ पानी की एक बूंद नहीं डालनी है। अब इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं कच्चे आमों ने गुड़ और चीनी के साथ पानी छोड़ दिया है। हमने इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं डाली है, क्योंकि हमें चटनी लंबे समय तक चलानी है। अगर हम पानी का यूज़ करेंगे तो हमारी जो चटनी है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब हमारी जो चटनी है उसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो कुटी हुई इलायची डालेंगे। अब इसको थोड़ा और पकने देंगे। इन मसालों के डालने के बाद भी हम इसमें एक खास मसाला डालेंगे, जिसे पंचफुरंग मसाले के नाम से जानते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून से भी कम मेथी दाना, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को छोड़कर हम बाकी के सभी मसालों को हल्का रोस्ट कर लेंगे। और इनको इमाम दस्ते में हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला दरदरा से पीस चुका है। अब हम कलौंजी को भी रोस्ट करेंगे, लेकिन इसको हम कूटेंगे नहीं। अब हम अपनी चटनी को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो चटनी है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ अपना पंचफुरन मसाला डालेंगे और साथ ही कलौंजी रोस्ट क्यूब भी डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे कच्चे आम की चटनी बनकर तैयार है। आप इसका टेक्सचर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब इसको सर्व करेंगे।
इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और खाने में भी टेस्टी लगती है। आप इसको ब्रेड के साथ जैम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है, पानी की एक बूंद भी नहीं डाली है, इसलिए आप इसको आराम से साल भर रख कर खा सकते हैं। इसलिए इसमें फफूंद आने का भी डर नहीं है। ये खट्टी मिट्टी से चटनी आपके खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आपका खाने में कुछ मन ना हो तो आप इस चटनी को ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा आपकी खट्टी मिट्टी कच्चे आम की चटनी कैसी बनी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।